ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिललाहिल अलीयिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، حمدا لك يا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان، وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا، مولانا ومولى الثقلين، جد الحسن والحسين، أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لاصق جماعة الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وغاصب حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات الله وسلم على محمد وآل محمد. لا قصد احترام عزاداران مظلوم کربلا، یقینا پروردگار عالم کا سچ شکر ہے اس بارے میں کہ اس نے ہمیں فرش عزا پر آپ پہنچنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائی. اذان محترم، اصحاب رسول اکرم، رسول کے برگزیدہ اصحاب کے اعتبار سے جو گفتگو جاری ہے اس کی آج دوسری کڑی ہے، اور آج کی حد تک بات کا آغاز اس نقطے سے کرنا چاہ رہے ہیں کہ پروردگار عالم نے اپنی وافی ہدایہ کتاب کے اندر یہ ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم: قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ، کہ اے حبیب، آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا الا المودۃ فی القربیٰ، بس اگر کوئی تم سے سوال ہے کار رسالت پر، اس کار رسالت کے اجر کے لیے، تو وہ ہے مودت فی القربیٰ. کیا پہنچایا رسالت میں آپ نے کار رسالت کے نتیجے میں؟ جتنے بھی احکام اسلامیہ ہیں، قوانین شریعت جتنے بھی ہیں، وہ سارے کے سارے کار رسالت میں آتے ہیں. نماز، یہ کار رسالت کا نتیجہ ہے کہ ہم تک پہنچی،
रोज़ा, ये कार रिसालत का नतीजा है कि हम तक पहुंच रही है, पहुंच रहा है। हज, ज़कात, होम्स, जितने भी कवानीन इस्लामिया हैं, ये सारे के सारे हम तक पहुंचे हैं रसूल की उस मेहनत के सदक़े में कि जिसे हम कार्य रिसालत कहते हैं। अब हमने रसूल से नमाज ले ली, रसूल से हमने रोज़ा ले लिया, रसूल से हमने हज ले लिया, रसूल से हमने जो कोई भी पैगाम इस्लाम था, जो कोई भी शरीयत के अहकाम थे, अरकान थे, कवानीन थे, वो सारे के सारे हमने रिसालत माप से लिए, सब कुछ रसूल से लेते रहे। पलट कर ये सवाल पैदा होता है कि जो रसूल की मेहनतें थीं वो एक्सेप्ट कर ली, एब्जॉर्ब कर ली, इस मेहनत पर रसूल की कोई मजबूरी बनती है, कोई अजर बनता है या नहीं बनता? सवाल ये। तो कुरान करीम की ये आयत है जो कह रही है कि ला असअलुकुम अलैहि अजरन, और ये सिर्फ आयत के अंदर ला असअलुकुम अलैहि अजरन नहीं है, आयत के इब्तिदा में कुल लगा हुआ है कि दरअसल ये परवरदिगार आलम अपने हबीब से कहलवा रहा है कि कह दीजिए कि ला असअलुकुम अलैहि अजरन, कि मैं तुमसे कार्य रिसालत पर कोई अजर तलबी नहीं करता। अब जो कार्य रिसालत का अजर होगा ना, उसकी कैफियत कुछ भी हो, इतना तय है कि जब मीज़ान लाकर रखेंगे और मीज़ान के एक पलड़े पर कार्य रिसालत रखेंगे तो दूसरे पलड़े पर उतनी ही, कम से कम उतनी ही वजन वाली शय होगी ताकि वो रसूल की कार्य रिसालत का अजर बन सके। और क्या कहा जा रहा है? मवद्दता फिल कुर्बा, वो शय कि जो मीज़ान के एक पलड़े पर है वो है नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, तमाम के तमाम अहकाम शरीयत जितने भी हैं वो सारे के सारे एक पलड़े पर हैं, उसकी अदील शय जो दूसरे पलड़े पर है उसका नाम है मवद्दत अहले बैत अत्हार अलैहिस्सलाम। अच्छा, ये बात हो गई, लेकिन इसका क्या रब्त है फिर इबादतों से? अब उन हदीसों को सुनिए ताकि आपको समझ में आए कि ये जो हदीसें हैं ये एग्जैजरेशन के अंदर नहीं कही जा रही है, मुबालगा आराई का नतीजा नहीं है, इसलिए कि हदीस मासूम की मासूम जबान से आ रही है, वही तर्जुमान जबाने हैं, मिजाज शनास हस्तियां हैं, मिजाज हक शनास हस्तियां हैं, वो बता रही हैं क्या कि जो शख्स नमाज पढ़ रहा है, कितनी नमाजें, रोजाना की 1000 रकत नमाज पढ़ रहा है, हज कर रहा है, तवाफ़े काबा कर रहा है, कोहे ओहद के पहाड़ के बराबर सोना और चांदी ज़कात में दे रहा है, ये कितनी एक्सट्रीम की बात हो गई, कितनी बड़ी बात हो गई, कितना ज़्यादा ज़कात दे रहा है और कितनी ज़्यादा सदका व खैरात, ज़कात सोना और चांदी ओहद के पहाड़ के बराबर उस मिकदार के अंदर दे रहा है, सफा और मरवा के दरमियान सही करता हुआ मजलूमियत के साथ शहीद कर दिया जाए, कैसा शहीद होगा वो? लेकिन अगर उसके दिल में अली इब्ने अबी तालिब की विलायत नहीं है, ये सारी की सारी चीजें उसके मुंह पर दे मारी जाएंगी। ये क्यों कहा गया कि तुमने नमाज तो ले ली, तुमने रोजा तो ले लिया, तुमने हज तो ले लिया, सारे के सारे अहकाम तुमने रसूल से लिए, ये था इसका हार्डवेयर, इस हार्डवेयर को चलाने वाली चीज, इसको एक्टिवेट करने वाली चीज, इस दिए की रोशनी परवरदिगारे आलम ने इस बदन के अंदर जो रूह करार दी है वो कुर्बा की मवद्दत है। तुमने नमाज पढ़ ली कुर्बा की मवद्दत के बगैर, दरअसल तुम अल्लाह की इताअत नहीं कर रहे बल्कि बिलअक्स उसकी मासियत कर रहे हो, बिलअक्स उसकी मासियत करो। ऐसी रिवायतें भी होता क्या है, असहाबे बरगुजीदा रसूल अकरम, एक बात याद रखिएगा, मवद्दत कुर्बा जो है ना ये बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी दौलत है और इसकी इतनी तासीर है कि किसी के दामन में कोई चीज ना हो, अगर सिर्फ एक मवद्दत कुर्बा है तो जो राह परवरदिगार आलम उसके लिए चाहता है कि एक इंसान जिस राह पर चलकर मुझ तक पहुंचे, परवरदिगार आलम उसको उस राह की हिदायत दे देगा, उसे उस राह की हिदायत हो जाएगी अगर उसके दिल में कहीं ना कहीं मवद्दत अहले बैत का दिया रोशन है।
अच्छा किस अंदाज से है, मैं मिसालें दे चुका हूँ गुज़िश्ता मजलिस के अंदर, कोई एक आध मिसाल आई थी ताज़ीम के एतबार से कि बैठा हुआ है खामोश है, कई नहीं रहा, दिल में ख्याल आ रहा है कि मैं कायनात के सुल्तान मौला वाका गरीबुल गुरबा अनीसुल नफूस आका अलैहिस्सलाम मौला रज़ा अलैहिस्सलाम से पानी तलब कर लूँ, लेकिन बस दिल में एक एहतराम का हवाला आया कि भाई एहतराम यह है कि सबके सामने मौला को कहूँ नहीं कि मुझे पानी दे दीजिए, मुझे पानी चाहिए, मौला को हुक्म करना अच्छा नहीं लगता सबके सामने, खामोश हो गया, अपनी ख्वाहिश को दबा लिया, रोक लिया, अगर मांग लेता तो पानी मिल जाता, पानी मिल जाता और तलब करना कोई बुरी बात भी नहीं थी। भाई इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना कि वालिदैन को कोई काम न कहो, कोई हुक्म अपने माँ बाप को न करो, बल्कि वक्फिद जनाह जुल्ले, क्या अपने इन दोनों कंधों को उनके सामने ला के झुका दो, झुका दो जब उनके सामने खड़े हो, लेकिन जब बात पानी की हो तो चूंकि पानी पिलाने का सवाब इतना ज़्यादा है, अगर माँ बाप को भी कह दोगे तो कोई मसला नहीं है, दरअसल तुमने उन्हें सवाब का एक मौका अता कर दिया। अब ये तो अहले बैत का सिखाया हुआ तरीका है, लेकिन इमाम अलैहिस्सलाम की मजलिस में महफिल में आने वाला ये नहीं जानता होगा, जानता होगा मगर फिर भी ये जानता है कि ये जो है ये वो है कि जो परवरदिगार आलम का प्यारा है, और दिल के अंदर एक एहतराम है इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का, पानी नहीं एक मशरूम मिला जो रिवायत के एतबार से गन्ने का रस है, वो लाकर दिया गया, कहा ये पी लो मीठा है पी लो, क्या हुआ आम सादा पानी पीता वक्ती प्याज बुझती, वो मशरूम जो इमाम अलैहिस्सलाम ने उसकी नियत पढ़कर मंगवा के उसे दिया, कहना नहीं पड़ा, मौला रज़ा अलैहिस्सलाम ने लाकर दिया, जब वो मशरूम पिया है कई दिन गुजर गए उसे प्यास का एहसास ही ना हुआ, प्यास का एहसास ना हुआ, ये इसको जो तोहफा मिला है किस चीज का तोहफा मिला है, ये दिल में एक एहतराम, मैं इसको इजाफी एहतराम नहीं कहूंगा, मैं जो कहते हैं ना कि एक एक्स्ट्रा चीज़ है तो इसके एक्स्ट्रा मार्क्स मिल गए, ये एक्स्ट्रा नहीं है, इसलिए कि हर शख्स की कैफियत इस एतबार से अलग अलग है। इसकी एक मिसाल और आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं, ज्यारत नामा पढ़ते हुए इमाम मासूम अलैहिस्सलाम की ज्यारत पढ़ते हुए बैठ के ज्यारत पढ़ना कैसा अमल है, पढ़ सकते हैं कोई मसला नहीं, कोई प्रॉब्लम है कोई मसला नहीं, बैठ के बिल्कुल ज्यारत पढ़ सकते, इमाम नाराज़ हो जाएंगे, नहीं नहीं मौला से तो कोई बदगुमानी है ही नहीं, ज्यारत के जुमले हैं मौला आपसे मुझे कोई बदगुमानी नहीं है, मैं आपसे कोई बदगुमानी नहीं रखता और इमाम मासूम अलैहिस्सलाम से कोई बदगुमानी रखनी भी नहीं चाहिए। जो ज़ारत वदा पढ़ते हुए इंसान कहता है कि मैं ना थका हूँ ना उकताया हूँ और ना मुझे आपसे कोई बदगुमानी है कि अगर चला जाऊँगा तो नाराज़ हो जाएंगे, नहीं है कोई बदगुमानी, तो क्या हुआ बैठ कर पढ़े पढ़ सकते, लेकिन अगर कोई खड़ा होकर पढ़ रहा है एहतराम की नीयत से एहतराम के एतबार से यकीनन उसका अजर है, उसे मिलेगा अजर। अगर कोई अपनी जूतियां पहनकर ज्यारत पढ़ रहा है, बाहर खड़ा हुआ है महफिल शाह खुरासान के, नमाज खत्म हुई घर जा रहा है, ज्यारत की आवाज आई रुक गया किबले की तरफ रुख किया, मौला के रोजे की तरफ रुख किया, जो ज्यारत पढ़ी जा रही थी उसको खुद ही फॉलो करना शुरू कर दिया, रुकने का एक अजर अलग, जूते पहनकर कह रहा है कि मैं जूते नहीं पहनूंगा मैं जूते निकाल दूंगा, मैं नंगे पांव होकर पा बरहना होकर अपने पांव जमीन पर रखकर फिर मौला को सलाम करूंगा, ये उसकी मोहब्बत की कैफियत है, ये सबकी कैफियत अलग अलग है। अच्छा इसमें याद रखिएगा किसी को जज ना कीजिएगा, इसलिए कि अगर कोई बारगाह अहले बैत में एहतराम करता हुआ नजर आए उस पर उंगली ना उठाइएगा, अपने लिए दुआ कीजिएगा और उसी आजादार को उसी आशिक को देख के उसके वसीले से दुआ कीजिएगा, बारे इलाहा जो नेमत तूने उसे दी है वो मुझे भी दे दे। मैं ये जुमला क्यों कह रहा हूं, इसलिए कि मेरी निगाहों के सामने छठे इमाम अलैहिस्सलाम की वो हदीस है, इमाम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं इज़ा अराद अल्लाह बिअब्दिन खैरा कज़फा फी क़ल्बिही हुब्बल हुसैन व हुब्बा ज़ियारतिही, जब अल्लाह अपने किसी बंदे के साथ खैर और नेकी का इरादा करता है उसके दिल में अपने हुसैन की मोहब्बत को डाल देता है। अल्लाह
وَبِكُمْ عَلَّمَنَ اللَّهُ مَعَالِمَ دِينِنَا وَأَصْلَحَ مَا كَانَ فَسَدَ مِن دُنْيَانَا. یہ زیارت جامعہ کے جملے ہیں یا نہیں ہیں؟ دسویں امام علیہ السلام نے زیارت تعلیم دی ہے یا نہیں دی ہے؟ آپ کے ذریعے سے مجھے معالم دین سکھائے گئے. وَبِمَوَدَّتِكُمْ عَلَّمَنَ اللَّهُ مَعَالِمَ دِينِنَا. آپ کی مودت، آپ کی محبت کے صدقے میں مجھے معالم دین پروردگار عالم نے عطا کیے. اچھا اب کوئی کہے تھے کیسے؟ تو مسئلہ یہی ہے، سن لیجیے اس کے اندر بھی رک کر ایک جملہ، اور وہ جملہ یہ کہ جیسے انسان پیپر دینے جاتا ہے، ایگزام دینے جاتا ہے، نہیں جاتا، جاتا ہے. امی کیا کہتی ہیں کہ بیٹا فلاں سورہ پڑھ کے جاؤ یا 100 آیتیں قرآن کریم کی پڑھ کر جاؤ تو کیا ہوگا؟ تمہیں کامیابی ملے گی. قرآن صامت کی آیتوں میں جتنی تاثیر ہے، قرآن ناطق کے ناموں میں، قرآن ناطق کے ذکر میں، قرآن ناطق کی سیرت میں اتنی تاثیر نہیں ہوگی کہ اگر اس علی کا نام لے کر کسی محاذ پر چلے جاؤ، کسی امر کے لیے گھر سے نکل جاؤ. یہی وجہ ہے کہ زیارت امام حسین علیہ السلام کیا کر رہا ہے انسان. اچھا اب یہ جو معاملات ان کے کہ جو خاص طور سے اگر یہ کہتے ہیں کہ عقل سے سمجھائیے، تو اب عقل تو خطرناک ہے. میں تو آپ سے یہ عرض کروں گا کہ عقل سے سمجھائیے تو بھیا کس کی عقل سے سمجھیں گے آپ؟ سقراط کی عقل سے سمجھیں گے؟ ارسطو کی عقل سے سمجھیں گے؟ بکرات کی اصل عقل سے سمجھیں گے؟ ابن سینا کی عقل سے سمجھیں گے؟ البیرونی کی عقل سے سمجھیں گے؟ کس کی عقل؟ جابر بن حیان کی عقل؟ کس کی عقل سے سمجھنا چاہ رہے ہیں؟ یا آپ خود کوئی مہاشے ہیں کہ جس کی عقل اتنی بڑی ہے کہ جس عقل نے باقی ساری عقول کو مات دے دیے، پیچھے کر دیا ہے؟ یا نہیں، پروردگار عالم نے کچھ ایسی عقلیں ہیں کہ جن کے حوالے ہماری پراگندہ عقلوں کو اور ہماری بکھری ہوئی سوچوں کو ایک دروازہ عطا کیا ہے یا نہیں عطا کیا ہے؟ کہ اگر کوئی تمہاری سوچ بکھرنے لگے تو دیکھو کائنات کا رسول تمہیں کن سہاروں پر چھوڑ کر گیا ہے. تو آ جائیے حدیث غدیر کیا فرما کے جا رہے ہیں، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تزلوا بعدی ابدا. کبھی کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، لیکن شرط یہ ہے کہ صرف قرآن نہیں، اہل بیت کا دامن بھی ساتھ تھامنا ہے. اور جب چھٹے امام علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ ایوہما اکبر منہما، کہ ان دونوں میں سے اکبر چیز بڑی چیز کون سی ہے، تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو ثقل اکبر ہے وہ ہم اہل بیت اطہار ہیں. کیسے بھائی؟ قرآن کریم کی آیتیں نازل ہوتی ہیں، اس پر عمل کر کے مومن بنتے ہیں، اور وہ ہے امیر المومنین کہ جس کے عمل کی منتظر ہوتی ہے قرآن کی آیت، کہ یہ عمل کرے تو قرآن کریم کی آیت نازل ہو جائے. اسی نقطے پر رک کر میں آپ کی خدمت میں ایک نتیجہ پیش کر کے پھر اصحاب کی طرف بڑھ جانا چاہتا ہوں کہ جو قرآن کریم کی آیت پر عمل کرے، یعنی کہ قرآن کریم کی آیت کے پیچھے چلے، وہ ہے اصحاب، اور قرآن کریم جس کے پیچھے اس کی آیتیں چلے وہ ہے اہل بیت. یعنی قرآن کریم کی آیتیں جس کے پیچھے چلے وہ ہے اہل بیت، اور جو قرآن کریم کی آیت کے پیچھے چلے وہ ہے صحابی. لیکن یہ میں نے عرض کیا کل کہ کیا ہر وہ فرد کے جس کے ساتھ صحابی کا ٹیگ لگا دیا جائے کیا وہ قابل قبول ہے، یا اس کا کوئی اور کرائیٹیریا ہے؟ سمپل ہے، جو ان کی اتباع اور اطاعت کے اندر ہے وہ ہمارے لیے قابل قبول ہے. جو اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے قابل قبول ہے، جو ختمی مرتبت کے لیے قابل قبول ہے، وہ ہمارے لیے قابل قبول ہے، اور جو ان کے لیے نہیں ہے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا اب یہاں پر میں آج کی حد تک ایک ذکر کرنا چاہ رہا ہوں صحابی پیغمبر اور صحابی مولا امیر کائنات، کیا نام ہے ان کا؟ عمر ابن حموق خزائی. عمر ابن حموق خزائی، قبیلہ بنو خزاع سے ان کا تعلق ہے، اور مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا بہت ساتھ دیتے رہے جنگوں کے اندر. رسالت ماپ
के असहाब में से हैं, और जनाब सलमान उन्हें देखकर ये कहते थे अल्लाहुम्मा नव्विर कल्बहु वाहदिही इला सिरातिल मुस्तकीम, कि ए खुदा अमर को परवरदिगार इनके दिल को मुनव्वर कर दे और इनको सिरात मुस्तकीम की तरफ हिदायत अता फरमा दे, और काश के मेरे दोस्तों में 100 अमर जैसे लोग होते। मैं तमन्ना करता हूं कि काश मेरे दोस्तों में से 100 अमर जैसे लोग होते। कौन है अमर, क्या किया अमर ने? सलमान चाह रहे हैं कि मेरे पास अमर जैसे 100 होते तो मैं दुनिया तस्खीर कर लेता। मिसाल ये जुमला नहीं है जनाब सलमान का, मैं ऐसे ही कह रहा हूँ। उनकी ख्वाहिश है कि मुझे अमर जैसे 100 लोग मिल जाए। क्या चीज़ है उनमें, क्या खासियत है? जंगों के अंदर या रसूल खुदा के साथ साथ हैं या मौला कायनात अलैहिस्सलाम के साथ हैं। एक गजबा था कि जिस गजबे के अंदर रिसालत माब ने फरमाया ए अमर मुझे प्यास की शिद्दत महसूस हो रही है, फौरन से दौड़कर गए और रिसालत माब की खिदमत में पानी पेश किया, और जैसे पानी लाके दिया तो मौला अमीर कायनात अलैहिस्सलाम की खिदमत में रिसालत माब ने देखकर खुशी का इजहार किया और कहा कि जैसे मैंने कोई हुक्म दिया या किसी ख्वाहिश का इजहार किया फौरन से अमर ने उसकी अंजामदही और बजावरी की। क्या दुआ दी रिसालत माब ने? अल्लाहुम्मा मत्तेहू बे शबाबे, कि परवरदिगारा अमर को उसकी जवानी की लज्जत से बहरामंद करार दे। 80 साल हो गए और अमर की दाढ़ी का एक बाल भी सफ़ेद नहीं हुआ था। ये दुआ है, किसकी दुआ है? रिसालत माब की दुआ लगी है अमर को। एक दिन यही अमर इब्न हमूक खुज़ाई मौला अमीर कायनात अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए और आने के बाद रसूल मौला कायनात अलैहिस्सलाम ने पूछा कि ए अमर ये तेरा चेहरा जर्द क्यों है? कहा मौला खस्तगी है और कमज़ोरी महसूस कर रहा हूँ, मरीज़ हूँ, मरीज़ बीमार हूँ। इमाम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं इन्नना नफ़रहो लिफ़राहिकुम व नहज़ुनो बिहुज़्निकुम। ये कायनात का मुश्किल कुशा अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन सैयदुल वसीयीन क़ायदुल गुर्रिल मुहज्जलीन मौला इरशाद फरमा रहे हैं, क्या फरमा रहे हैं कि हम तुम्हारी खुशी में खुश हो जाते हैं, हम तुम्हारे गम में हम गमगीन तुम होते हो, तुम्हारा गम हम महसूस करते हैं। आज तक आपने ये तो सुनी है ना हदीस कि शीअतुना खुलिकु मिन फाज़िलतीनतना, छठे इमाम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि हमारे शिया हमारे ही खमीर की बची हुई मट्टी से पैदा हुए हैं। यफ़रहूना बिफ़रहिना व यहज़ुनूना बिहुज़्निना, कि दलील इस बात की यह है कि हमारी खुशी में खुश हो जाते हैं और हमारे हुज़्न में महज़ून हो जाते हैं। ये तो हमारी बात है, मगर अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम किन जैसों के गम में गमगीन और किन जैसों के खुशी में खुश होते हैं। इतना अहले बैत अतहार से जुड़ जाते हैं कि यहाँ ये खुश होता है, अहले बैत जहाँ कहीं पर भी हो उसकी खुशी को वो वहाँ महसूस करते हैं। ये यहां पर गमगीन होता है और उस हुजुन को उस गम को अहले बैत जहां कहीं पर भी हो वो वहां महसूस करते हैं। और उसके बाद इरशाद फरमाते हैं तुम मरीज होते हो, तुम्हारे मर्ज के वास्ते से तुम्हारे मर्ज में हम तुम्हारे शरीक होते हैं, शामिल होते हैं। और उसके बाद कहते हैं वह तदऊना फनोमिन, तुम दुआ करते हो हम आमीन कहते हैं, तुम दुआ करते हो हम आमीन कहते हैं। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जिसकी दुआ पर अहले बैत आमीन कह दें, जिसकी दुआ पर इमाम मासूम आमीन कह दे, फिर वो बात बारगाह इलाही से कैसे रद्द होगी? तो फिर ये किसकी बात हो रही है? ये हम और आप जैसों की बात हो रही है या नहीं? ये सलमान जैसों की बात हो रही है, ये मिकदाद जैसों की बात हो रही है, अम्र इब्न हमूक खुज़ाई जैसों की बात हो रही है, ये मिकदाद और अबू ज़र और सलमान जैसों की बात हो रही है,
कमाल यह है हम उनका मुकाबला तो कर नहीं सकते, चले हैं हुसैन का मुकाबला करने, उनके बराबर तो हम नहीं हो सकते। हाँ, काश 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 कि हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम कह दे कि हाँ ये मेरा है, इसे आने दो, ये मेरा है, मैं कबूल करता हूँ, कमाल हो जाए। लेकिन इनके इस्लाम के दायरे में आने का जो वाकया था वो क्या था, इन्हें हिदायत कैसे मिली, चले हिदायत कैसे मिली, रिसालत माब ने किसी गजबे पर अपने एक छोटे से लश्कर को भेजा और वो लश्कर चला, और जैसे ये लश्कर चला है, रिसालत माब जब ये चलता हुआ लश्कर जब ये मदीना छोड़ रहे हैं, तो रसूल ने उन्हें बुलाकर रोक कर कहा कि तुम इस तरह के सहरा पे पहुंचोगे, और इतनी देर के बाद जब तुम इस सहरा में पहुंचोगे तो यहां पहुंचकर तुम अपनी राह गुम कर जाओगे, तुम खो जाओगे। जब तुम्हें ऐसा लगे कि तुम खो गए हो, तुम भटक गए हो, तो यह बात याद रखना कि वहां से उल्टे हाथ की तरफ मुड़ जाना, और इतनी देर तक इस फुला जिहत में डायरेक्शन में चलते रहना यहां तक कि तुम एक छोटे से गांव में पहुंचोगे, वहां पहुंचकर इस तरीके का फर्द तुम्हें मिलेगा, तुम उसे बताना कि हम अपनी राह गुम कर गए हैं। बस जब तुम उसे बताओगे कि हम अपनी राह गुम कर गए, तो वो कहेगा कि जब तक तुम अपनी सवारी से उतरोगे नहीं, मेरे घर में आके आराम नहीं करोगे, मैं जो दस्तरखान लगाऊं वो नहीं खाओगे, उस वक्त तक मैं तुम्हें तुम्हारी राह की हिदायत नहीं करूंगा, तुम्हें नहीं बताऊंगा कि तुम्हारा रास्ता तुम्हारी मंजिल कहां से है। और वो लोग उसी तरह से जैसा जैसा हुआ पहुंचे, कहा जब तुम उसके पास पहुंचो और वो तुम्हें रास्ता बता देना, तो कह देना जाते हुए वापसी पे कि तुम्हें रसूल खुदा ने सलाम पहुंचाया है, तुम्हें रसूल खुदा ने सलाम पहुंचाया है। ये ऐसा ही हुआ। अब ये रिवायत इसी तरह से कह रहे हैं कि फिर वही हुआ जैसा रिसालत माब ने फरमाया था, जैसा रसूल ने कहा था वैसा ही हुआ। और वो वहां पहुंचे, उसने खाना बनाकर खिलाया, रोका फोर्स करके। अब जब ये जा रहे थे ना, इन्होंने रसूल का सलाम दिया है अमर को, तो अमर कहता है कि अगर हो सके तो मुझे रसूल तक पहुंचा दो, इसलिए कि अब मुझे उस वक्त तक करार नहीं आएगा जब तक मैं रसूल के हाथों पर ईमान न ले आऊं। क्या किया अमर ने? अमर ने कोई वजीफा पढ़ा, अमर ने किसी मदरसे में एडमिशन लिया, अमर ने किसी मौलाना के पास 3 महीने का क्रैश कोर्स किया कि उसको हिदायत मिल जाए। कैसे मिली उसको हिदायत, कैसे मिली उसको हिदायत? रसूल के कुछ चाहने वालों की खिदमत की, रसूल का सलाम उसकी खिदमत में उसके लिए आया, उस सलाम के अंदर हिदायत पोशीदा थी, रसूल अकरम की नजर करम का उस पर पड़ जाना। बस ये समझ लीजिए कि रसूल की नजर करम उस पर पड़ी, परवरदिगार आलम ने उसे हिदायत दे दी। यही तो कहा जा रहा है कि अगर तुमने अपने दिल में वो तड़प रखी कि जिस तड़प को मवद्दत अहले बैत कहा जाता है, तो ये तड़प तुम्हें राह हक की तरफ खुद ब खुद खींच कर लेकर जाएगी। खैर, इसको फिर हम इंशाल्लाह मजीद इसकी तफसील आपकी खिदमत में अर्ज करेंगे, लेकिन ये बात तय है कि आपको अस्हाब आइम्मा अस्हाब रसूल के अंदर एक चीज खास तौर से मिलेगी, तस्लीम, सरेंडर कर देते थे। और जितना उनके सरेंडर का लेवल था ना इमाम के सामने, उतना बड़ा मकाम उनको मिलता था। छोटी सी मिसाल है, शायद सुनी हो आपने, जब कायनात के अमीर अलैहिस्सलाम के गले में रसन डाली गई, मदीना मुनव्वरा की बात है, शायद वही अय्याम है जो गुजर रही है, रसूल इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, अभी 3 दिन न हुए थे, उसके बाद रसूल की बेटी के घर पर क्या मजालिम न टूटे, क्या न हुआ रसूल की बेटी के साथ। ऐसा लग रहा था कि इस्लाम का खौल पहनकर कुछ लोग बैठे थे, जैसे रसूल इस दुनिया से गए उन्होंने अपने खौल उतारे और अपनी असलियत लोगों को दिखा दी, और मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम के गले में रसन डाली, खींच के लेकर जा रहे हैं, कंबर की तलवार नियाम से बाहर आ गई, सलमान ने दस्ते पर हाथ रखा हुआ था, तलवार नियाम के अंदर थी,
और निगाहें अली इब्न अबी तालिब के लबों पर टिकी हुई थी कि जब तक अली की आंखों का इशारा ना आएगा, जब तक अली के लबों से इशारा नहीं आएगा, तेज तलवार बाहर नहीं आएगी। ईमान में फर्क है ना, एक नवे दर्जे पर है, एक दसवें दर्जे पर, तस्लीम का फर्क है। एक ने कहा कि मैं तलवार निकाल रहा हूं, तलवार निकाल के रेडी रहूंगा, एक कह रहा है कि मैं तलवार भी उस वक्त निकालूंगा जब अली का हुक्म आएगा। मैं हुआ था या नहीं हुआ था मुझे बताएं। अच्छा जनाबे मीसा में तमार, चलें थोड़ी मैं उसको डाइल्यूट करके हल्की मिसाल आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, काबिल हजम मिसाल। जनाबे फिकी मसाइल तो हमको तो तौजी तकरीबन रची हुई है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात है, वफाती भी हमको याद है। जनाब मीसम तम्मार, दुनिया आ रही है अली के दर पे और अली चल के आ रहे हैं मीसम की दुकान पे। अबे है जगह, बैठ जाऊँ, बैठ जाए, बातें हो रही हैं, गुफ्तगू हो रही है, तो गुफ्तगू ऐसी गुफ्तगू नहीं हो रही है। असरार इमामत इल्म, जो अब वही वाली जनाब कल जो जनाब कुमैल के अतबार से हमने अर्ज किया था कि जो जितना ज़र्फ़ पाया कायनात के अमीर ने, जिसका जिसमें जितनी गुंजाइश देखी, जो अली ने मुनासिब समझा जिसके लिए, वो उसे अता किया बस। मीसम तुम जाओ, सुना हुआ आपका वाक़या, तुम जाओ ज़रा आराम करो, फिर आ जाना, तब तक मैं यहाँ पर देखभाल कर रहा हूँ। मौलाए कायनात बैठे हुए, मीसम गए अपने घर ताम के लिए, आराम के लिए। एक साहिल आ गया फ़कीर मीसम की गैर मौजूदगी में और आकर सवाल किया, खुदा की खुशनूदी के लिए कुछ अता किया जाए, और कायनात का अमीर बैठा हुआ है, मुश्किल कुछ है कायनात। खजूरों की भरी हुई बोरियों में से एक बोरी उसे राह खुदा में अता कर दी। ठीक, सबको बताया, सुना हुआ वाक़या। वक्त गुजरा, मीसम वापस आए, मीसम आए तो जनाब मीसम ने देख तो लिया कि वो एक जो बोरी थी उसकी जगह खाली है, बोरी वहां पे नहीं है। ना सवाल किया और ना पेशानी पे शिकन आई, ना पेशानी पे कोई बल आया, कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं, कोई जेस्चर में चेंजिंग नहीं आई, बिल्कुल वैसे ही जैसे बहुत सारों के मौला का जिक्र सुनकर भी जेस्चर में चेंजेस नहीं आते, चेहरे पर शिकन भी नहीं आती, जैसे बैठे होते स्टिल वैसे ही बैठे होते हैं, अली का जिक्र होता रहे या कायनात के मुश्किल का मुश्किल कुशा का जिक्र होता रहे या किसी का भी जिक्र होता रहे, वो वैसे के वैसे ही बैठे हुए। हम तो ये समझते हैं कि कम से कम अली का जिक्र आ जाए तो खामोश जुबानें भी बोल उठती हैं, इसलिए कि खामोश जुबानें मैं कोई मुझे कोई शौक है कि कोई शोर शराबा हो मजलिस के अंदर, हुआ हो नहीं, कोई शौक नहीं। हाँ हम तो सिर्फ इतना अर्ज़ कर रहे हैं कि जहाँ जिक्र अली इब्ने अबी तालिब छिड़ता है ना, वहाँ खून की हरारत में और रवानी में दौरान में यकीनन तेज़ी आती है। मैं मालूम अली इब्ने अबी तालिब अलैहि सलाम के नाम में क्या तासीर है, मुहम्मद व आल मुहम्मद। सवाल नहीं हुआ, कोई सवाल नहीं, बस ठीक। जानते हैं औला बे अनफुसना है, औला बे अनफुसकुम का मतलब क्या होता है, हमारे नफ्स पर हमसे ज्यादा जिसका हक है वो अली है। अच्छा कुछ देर गुजरी बातों ही बातों में, ये मौलाए कायनात अलैहि सलाम ने कहा कि वो एक साहिल आया था मीसम थोड़ी देर पहले, तो वो एक बोरी हमने उसे राह खुदा में दे दी थी। अब क्या मीसम ने तौज़ीउल मसाइल का कोई मसला गसब के अहकाम, मिल्कियत के अहकाम कोई सिखाया, लुकता के अहकाम कोई भी कुछ भी नहीं कहा। या अबुल हसन, जैसे आपने अल्लाह की राह में अल्लाह के नाम पर मांगने वाले उस साइल को कुछ अता किया था, अपने दामन को फैलाकर कहते हैं एक साइल मीसम अल्लाह के नाम पर आपसे कुछ मांगता है, इसे भी खुशनूदी खुदा के लिए कुछ अता करें। बस हो गया इम्तिहान, कामयाबी कामयाब, सीने से लगा लिया मीसम को और कहा मैं तुम्हें इल्मुल मनाया वल बलाया दे रहा हूं। इल्मुल मनाया वल बलाया क्या है, जमाना आइंदा के अंदर पेश आने वाले वाकयात का इल्म।
इतना तो मीसम ने सिखा दिया, समझा दिया, तुम्हारी अपनी मिल्कियत की कोई शय लेकर अगर अली इब्न अबी तालिब उसमें तसर्रुफ कर ले, पलट कर पूछना नहीं, इसलिए कि गदीर में रसूल ने अली को मौला बनाकर उसे तुम्हारे नुफूस पर औला बना दिया है, औला बना दिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि बाप से ज्यादा हक इनका है कि इनकी इताअत की जाए, और जितनी विलायत इख्तियार, विलायत क्या है, इख्तियार परवरदिगारी के आलम की जानिब से जो इख्तियार एक बाप को मिला है उससे कई गुना ज्यादा इख्तियार कायनात के अमीर के पास है जो हम पर रखते हैं। यही तो वजह है असबग इब्ने नबाता मौला अमीर अलैहिस्सलाम के पास वक्त आखिर पहुंचा और पहुंचने के बाद पूछा, यार या अमीर अल मोमिनीन कोई एक हदीस इरशाद फरमा दे। क्या हदीस? हदीस सुना दें या अमीर अल मोमिनीन जाते जाते हदीस सुना कर जाएं, यानी कि हदीस इतनी महंगी चीज़ है, इतनी कीमती चीज़ है कि जो आखिरी चीज़ मांग रहा है असबग अपने मौला से वो है हदीस। सिखा कर जाएं, कुछ बता कर जाएं, कुछ असरार खोल कर जाएं। फरमाया कि वक्त आखिर था, नहीं फरमाया कि मदीना मुनव्वरा है, रिसालत माब ने एक दिन मुझसे ये कहा, मुझे हुक्म दिया कि अली मदीने की मस्जिद में जाओ, मिंबर पर जाकर ये हदीस सब मदीने वालों को सुना दो कि परवरदिगार आलम की लानत है, उसके रसूल की लानत है, और उसके वली की लानत है, उसके मलाइका की लानत है। तीन लोगों पर, तीन तरह के लोगों पर, तीन तरह के लोगों पर। एक उस बेटे पर लानत है कि जिसे उसका बाप आंख कर दे, ऐन अलिफ काफ आग कर दे। एक उस मजदूर पर लाना, उस मालिक पर लानत है कि जो मजदूर की उजरत ना अता करे, और एक उस गुलाम पर लानत है कि जो अपने आका को छोड़कर फरार कर जाए। ठीक, तीन तरह के लोग। उस बेटे पर लानत जिसे उसका बाप आग कर दे, उस मालिक पर लानत के जो मजदूर की उजरत न दे, और उस गुलाम पर लानत के जो अपने आका को छोड़ दे और उसे तर्क करके फरार करे। अब जैसे ये हदीस आई है तो लोगों ने आपस में बातें करना शुरू कर दी। तो मतलब क्या बातें करना शुरू कर दी? मुझे ये लगता है कि इसका मतलब ये है, मुझे ये लगता है इसका मतलब ये है, मुझे ये लगता है ये। अकल, अपनी अकल। और वहाँ पर मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम ने रिसालत माब को बतलाया, रसूल अकरम को खुद आना पड़ा, खुद रिसालत माब तशरीफ लेकर आते हैं, मिंबर पर जाते हैं और जाने के बाद फरमाते हैं कि तुम्हें ये हदीस समझ में नहीं आई तो मुझसे सुनो। पहला वो बेटा के जिसे उसका बाप आग कर दे, उस पर लानत है खुदा की, क्या तुमने मेरी वो हदीस नहीं सुनी कि जिसमें मैंने वो फरमाया है, वो कहा है कि अना व अली अबावा हाजिल उम्मा, मैं और अली उस उम्मत के बाप हैं, मैं और अली उस उम्मत के बाप हैं, तुमने नहीं सुना? और दूसरा कौन सा करो? वो मालिक के जो मजदूर की उजरत न दे, क्या तुमने कुरान करीम की वो आयत नहीं पढ़ी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, कि मैं कारे रिसालत पर कोई मजदूरी नहीं मांगता, अगर मांगता हूं तो वो ये है कि मवद्दत कुर्बा रखो। और तीसरा वो ग्रोह के जो गुलाम है अपने आका को छोड़कर फरार किया, क्या तुम्हें याद नहीं है गदीर के मैदान में मैंने अली को अपने हाथों पर उठाकर ये कहा था, मन कुन तो मौला हो फहाजा अली उल मौला, आज से तुम सब गुलाम, अली तुम्हारा आका। इसके माना ये हुए कि जो अली इब्ने अबी तालिब, अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम जिसे आग कर दे उस पर खुदा की लानत, अली इब्ने अबी तालिब जिससे आग कर दे उस पर खुदा की लानत, जो मवद्दत कुर्बा का अजर रिसालत न दे उस पर खुदा की लानत, और जो अली जैसे मौला की इमामत को तस्लीम न करे और इमाम अलैहिस्सलाम से फरार करे उस पर खुदा की भी लानत है, उसके मलाइका की भी लानत है, रसूल की भी लानत है। अच्छा, अब यहां पर ये तो है हमारा पूरा का पूरा दीन जो टिका हुआ है ना, वो रसूल की तालीमात पर टिका हुआ है। हमने अगर खुदा को भी माना तो रसूल के कहने से माना है, इसमें कोई शक नहीं है।
रसूल ने कहा खुदा एक है, रसूल ने बताया खुदा एक है, हमने माना। प्यारे नबी ने बतलाया कि जन्नत जहन्नम है, हमने तस्लीम किया, हमने ईमान लेकर आए। प्यारे नबी बतला गए कि कौसर है, सलसबील है, हमने कहा बिल्कुल है। प्यारे नबी ने बताया कि आदम है, आदम थे, आए थे, हमने कहा बिल्कुल आए थे। आपने फरमाया बिल्कुल आमन्ना व सल्लमना व सदरना। रसूल ने बताया कि नूह, हमने कहा बिल्कुल हम ईमान लाते हैं। रसूल ने बताया इब्राहिम, हम ईमान लाए। रसूल ने बताया मूसा, हम ईमान लाए। रसूल ने बताया ईसा, ईमान लाए। इब्राहिम और इस्माइल, हम ईमान लाए। ये सब कुछ रसूल ने बताया, जो जो रसूल ने बताया वो सब कुछ हमने माना। बताया ना, दिखाया तो नहीं, बताया दिखाया नहीं। अच्छा, रसूल ने अल्लाह बताया दिखाया नहीं, रसूल ने आदम बताया दिखाया नहीं, रसूल ने इब्राहिम बताया दिखाया नहीं, रसूल ने मूसा बताया दिखाया नहीं, ईसा बताया दिखाया नहीं, कौसर और सलसबील बताई दिखाई नहीं, जन्नत और जहन्नम बताई दिखाई नहीं। तो जो बताया वो तो सब माना, मगर जिसे बताया और जिसे कदीर में हाथों पर उठाकर दिखाया उस अली को ना माना। अच्छा, अब आ जाइए जनाबे कुमैल इब्ने ज़ियाद। मैं मोहब्बत और मुबद्दत की बात कर रहा हूँ ना, कि क्या है, अली के कदमों में पड़ा रहना चाहता है, अली के हर हुक्म को मानना चाहता है, अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम के सामने सर तस्लीम को खम करना चाह रहा है। क्या हवाला है, उस जगह से गुजर रहे हैं कि जिस जगह से गुजरते हुए बताया कुमैल तुम्हारी कब्र यहाँ बनेगी, रोने लगे, गिरिया को ना हुए, आंखों में आंसू आ गए, गमगीन हो गए। क्यों रोए? क्योंकि पहले नजफ अशरफ के अंदर एक मकाम अमीरुल मोमिनीन है, साफ़ी सफ़ा यमानी के नाम से भी मशहूर है। वो ज़रा मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम की कब्र मुतहर ज़रीह अथर से कुछ फासले पर है। ये वो जगह है कि जब नजफ सहरा था, सिर्फ कूफा से मौला तशरीफ़ लेकर आते थे नजफ में, इस जगह पे आके बैठते थे और अपने ख़ास असहाब उनके साथ आकर यहाँ तशरीफ़ रखते थे और उनसे गुफ्तगू करते थे और बैठे रहते थे, कई घंटों बैठे रहते थे। इसे मकाम अमीरुल मोमिनीन कहा जाता है। वहाँ के जुमले हैं, मौला अमीर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए खुदा, ये आबो हवा, ये फ़ज़ा कितनी पाक तैयब ताहिर है, बारे इलाहा मेरी कब्र को इसी वादी में करार देना। ये अली की दुआ है, कुमैल ने देखा है, कुमैल जानते हैं। जब वहाँ से गुज़र रहे हैं जहाँ पर आज कुमैल की कब्र है रहमतुल्लाह अलैह, तो एक मरतबा कहने लगे, या अबुल हसन, मैं रो इसलिए रहा हूँ कि ज़िंदगी में आपकी मायत, आपका साथ, आपकी सोहबत नसीब हुई, मरने के बाद आप वहाँ दफन होंगे, मैं यहाँ दफन होऊंगा। इस पर रोना आ रहा है। क्या कहा, क्या कहा? मौला मैं यहाँ दफनूंगा। मौला अमीर अलैहिस्सलाम ने फिर वो ज़माने आखिर के जो वाक़यात हैं वो इमाम अलैहिस्सलाम ने अलाइम आखिर उस ज़मान बयान करना शुरू किए कि एक ऐसा ज़माना होगा कि जिस ज़माने के अंदर तुम्हारे दफन का मकाम और मेरे दफन होने का जो मकाम है वो एक शहर तसव्वुर किए जाने लगेंगे, फिर ज़्यादा दूर ना रहेगी तुम्हारी खबर मेरी खबर से। इस पर कुछ दिलासा तो आया जनाब कुमैल को। लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम, जनाब मीसम तम्मार, उनको भी बताया था मौला अमीर अलैहिस्सलाम ने। क्या बताया था? कि यही वो जगह है जहाँ पर तेरी कब्र बनेगी, जहाँ तुझे सूली लगाई जाएगी। बस ये पूछा कि मौला मुझे मौत ईमान की हालत में आएगी या नहीं आएगी। वो तवील कन्वर्जेशन है, मैं उसको पूरा यहाँ पर नहीं अर्ज कर रहा, लेकिन पूछा मैं हालत ईमान में इस दुनिया से रुख्सत होऊंगा या नहीं। मौला ने फरमाया कि तू हालत ईमान में इस दुनिया से जाएगा। कहा फिर उसके बाद कोई अगर तकलीफ़ आती भी है आपकी मोहब्बत में तो वो तकलीफ़ कम है, मुझे मालूम है अजर ज़्यादा है। और उसके बाद उस जगह पर आकर वो पानी डालते रहते थे। ये क्या था? ये दिल के अंदर जो मारिफत इमाम का जो पौधा था ना, दरअसल उस पौधे पे पानी डाल के उसे और मजबूत कर रहा होता था मीसम रोज़ाना। ये जो जनाब मीसम आ के रोज़ाना उधर पानी डाले ना कि भाई इसी ने दरख्त बनना है और इसी दरख्त के साथ मुझे सूली लगाई जाएगी,
یعنی امام علیہ السلام کے کہے پر اتنا یقین ہے میسم کو کہ جو صدیق اکبر ہو علی، کائنات کے سچے ہیں، دنیا میں بہت سارے سچے ہیں اور سچے کی نشانی ہے کہ وہی بولتا ہے کہ جو سچو، لیکن سچوں کا مقابلہ سچوں کے سرداروں کے ساتھ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ سچوں کی نشانی یہ ہے کہ وہی بولیں کہ جو سچ ہو، اور سچوں کا سردار اسے کہتے ہیں کہ جو بول دیتا ہے وہ خدا سچ کر دکھایا کرتا، وہ خدا سچ کر دکھایا کرتا. لیکن افضان محترم آپ دیکھ لیجئے ہوتا کیا ہے، جناب میسم کو بارگاہ امام علیہ السلام سے ایک خاص علم ملا. لوگوں نے میسم کو کیا کہتے ہوئے سنا کوفہ کی گلیوں میں کہ ساجد صاحب یہ نہ کیا کریں، آپ اس طرح سے کریں گے آگے جا کر آپ کو مشکل ہوگی، رضا صاحب آپ یہ خیال کیا کریں، آپ زمانہ آئندہ کے واقعات بیان کرنا شروع کر دیا نا میسم نے. علم المنایا والبلایا کے معنی کیا ہے؟ علم المنایا والبلایا کے معنی یہ ہے کہ زمانہ مستقبل کے اندر پیش آنے والے واقعات کا علم. اب جب بیان ہو رہا ہے تو میسم تو بیان کر رہے ہیں مگر سمجھنے والا کوئی نہیں ہے، تو جسے سمجھ نہیں آ رہا وہ اپنی تصحیح کرنے کی جگہ میسم کو دیوانہ کہہ رہا ہے. یعنی کہ ایک لیول تک ہوتی ہے بات، اس لیول سے اگر بات اوپر ہوگی تو سمجھنے والا اگر حق بھی بیان کیا جا رہا ہے نا لیکن اس کی معرفت سے اوپر کی بات ہو رہی ہے، اس کے علم سے اوپر کی بات ہو رہی ہے، اس کے ایمان کے لیول سے اوپر کی بات ہو رہی ہے، تو وہ اپنی گریبان میں نہیں دیکھے گا، وہ سامنے والے کو کہے گا یہ غلط بول رہا ہے، یہ غلط بول رہا ہے. اچھا یہ ہوتا ہے، آج بھی ہوتا ہے، ابھی بھی ہو رہا ہے، سب ہو ہی رہا ہے، چل ہی رہا ہے. جناب میسم کو دیوانہ کہا گیا، بالکل کہا گیا. تو جناب میسم واقعی دیوانے ہو گئے تھے؟ نہیں، جناب میسم کے پاس ایک ایسا علم تھا، جناب میسم وہ حق بیان کر رہے تھے کہ جس حق کا علم جناب میسم کو مولا کائنات علیہ السلام نے عطا کیا. اچھا اب یہاں رک کر چلیں سن لیں، جناب میسم یہ بھی دیوانے، بہلول کون سے والے؟ بغداد والے، جو چھڑی لے کر آگے چلتے ہیں، اپنے عصا کو ٹک ٹک کر کے لوگوں کو ہٹاتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی سامنے سے ہٹ جاؤ، اس لیے کہ یہ میرا گھوڑا اگر تمہیں لات مار دے تو میں ذمہ دار نہیں ہوں. تو کیا کہا؟ دیوانہ ہے، لیکن پھر بھی آتے اس دیوانے ہی کے در پر تھے بڑے بڑے اپنے آپ کو عالم کہنے والے. جب جواب بننا پڑتا تھا تو موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ایک شاگرد کے پاس آتے تھے، جواب بتا دو. جس در کا دیوانہ بھی بڑے بڑے داناؤں کا مقابلہ کر جائے اس در کے سرداروں کا کیا عالم ہوگا؟ اچھا کوئی ٹک نہیں سکتا تھا، اور بہلول کو رسوا کرنے کے لیے کتنے علماء کو بلایا گیا، سب نے سر جوڑ کر ایک نتیجہ نکالا، اس نتیجے کو تھوڑی سی دیر کے اندر رد کر دیا اس نظریے کو جناب بہلول نے. اسی لیے کسی نے تاریخ میں ان کو بہلول دیوانہ نہیں لکھا، لکھا بہلول دانا، مگر تھا وہ دیوانہ. دیوانہ کیوں تھا؟ کیونکہ ذرا آپ سنیے گا، اب ذرا سنیے گا، کیونکہ اس مولا موسیٰ کاظم علیہ السلام کے جیم کی یہ تاثیر تھی، یعنی اس جیم کے اندر اتنا اثر تھا کہ بہلول کو وہ بنا گیا جو وہ تھا. اچھا اب اس میں بھی پھر بات ہو سکتی ہے، ایک جیم ہی تو تھا، ایک نے جلا وطن لیا، ایک نے جبل لیا، ایک نے جنون لیا، تینوں ٹھیک. کیوں نہیں کہتے کہ صرف ایک جیم جو جبل ہے وہ ٹھیک ہے باقی دو غلط، جنون والا ٹھیک ہے باقی سارے دو غلط، جلا وطن والا ٹھیک ہے باقی دو غلط؟ بھائی جیم کہا تھا امام علیہ السلام نے، امام نے جیم کہا تھا، اس جیم کو لے کر حالات کے مطابق جو فیصلہ کسی نے کیا ہے. اور امام علیہ السلام کا پڑھایا ہوا علم بھی تھا اس کے پاس، ان تینوں افراد کے پاس، امام کے شاگرد تو تھے تینوں. امام علیہ السلام نے کہا یہ تینوں ٹھیک ہیں، میرے جیم کو تو لیا ہے نا. میں مزید اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ یہ بہت سارے اعتراضات کا جواب ہے، یہ جیم آج بھی ہونے والے بہت سارے بڑے بڑے اعتراضات کا جواب ایک جیم میں، ایک موسیٰ کاظم علیہ السلام کی جیم کے اندر پوشیدہ ہے. جا کر
कोशिश करके अपने अपने मसाइल हल करने की कोशिश कीजिए इस जीम से, हो जाएंगे। अच्छा, कौन और, एक और कौन है कि जो दीवाना, जिसको कहा भाई जाबिर, ये जीम नहीं है, ये अलग जीम है, ये जाबिर इमाम बाकर अलैहिस्सलाम ऐनल बाकर कर रहे हैं, लेकिन क्या कहा जा रहा है कि जाबिर दीवाना हो गए, नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। दीवानगी ने जाबिर के जहन पर असर पैदा कर दिया, बुढ़ापे ने जाबिर के जहन पर असर कर दिया है। हालांकि नहीं, जाबिर के पास एक ऐसा इल्म था जो दूसरों के पास नहीं था, वो उस इल्म को ना समझ सके, लिहाजा जाबिर ही को दीवाना उस डस्टबिन में डाल दिया, नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। क्या अमानत थी रसूल की अमानत कि मेरे बेटे को जिसका नाम मेरे नाम पर होगा, जिसके शमाइल मेरे शमाइल जैसे होंगे, जो उलूम अंबिया का शिगाफ्ता करने वाला होगा, मेरा सलाम पहुंचा देना। तो बस सलाम पहुंचाना याद है, 90 साल के आसपास की उम्र हो गई है जनाब जाबिर की, मगर ना हिजियान हुआ ना निसियान हुआ, जाबिर को ना हिजियान हुआ ना निसियान हुआ, याद था, मासूम नहीं है, साहबी रसूल है, मासूम नहीं है, 90 साल की उम्र है, और कुछ ना भूले और ना मरज़ हिजियान और निसियान के अंदर मुब्तला हुए। बस अज़ान मोहतरम, में आज की हद तक बात को यहीं पर रोक रहा हूँ, इस यकीन और इस दुआ के साथ के परवरदिगार हमें यकीन की दौलत से मालामाल फरमाए, हमारी मारिफत आइम्मा अथहार अलैहिस्सलाम में इजाफा फरमाए, और इनकी बारगाह में अपने सर तस्लीम को खम करने की तौफीक इनायत फरमाए। अज़ान मोहतरम, रसूल इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, रसूल रुख्सत हुए हैं, उसके बाद रसूल की बेटी को पुरसा देने के लिए कोई ना आया। यूँ तो रसूल के जनाजे में भी कितने लोग थे, तारीख ने सब अहवाल बयान किया है, लेकिन अज़ान मोहतरम, रसूल की बेटी को कोई अच्छे अल्फाज से पुरसा देने ना आया, अगर कोई आया तो आग लेकर आया, अगर कोई आया तो लकड़ियां जमा करके दरवाज़ा जलाने के लिए आया। तीन हमले हुए हैं बीबी के खाने बैतुल शरफ पर, तीन हमले, पहली बार आए बीबी ने वास्ते देकर वापस भिजवा दिया, दूसरी बार आए फिर वापस भिजवा दिया, अब तीसरी बार कुछ ऐसे अफराद थे जो साथ आए हैं, और ये कहकर आए हैं कि तुमसे एक छोटा सा काम नहीं हुआ, हमने कहा कि घर को आग लगा दो, तुमसे जितना छोटा सा काम नहीं हुआ। आने के बाद रसूल की बेटी वास्ते देती रही, तुम्हें रसूल का वास्ता, तो रसूल का वो, ये वो घर है, ये वो दरवाज़ा है कि जिस दरवाजे के लिए रसूल ने कहा फातिमा तो बाबोहा बाबी, फातिमा उनका दरवाज़ा मेरा दरवाज़ा है, मन हतका हुरमतहू हतका हिजाबल्ला, जिसने सैयदा के दरवाजे की हुरमत को पामाल किया उसने अल्लाह के हिजाबों की हुरमत को पामाल किया, उसने अल्लाह के हिजाब को पारा पारा कर दिया। बस अजीज़ाने मोहतरम, अलमुख्तसर, दरवाजे को आग लगाई गई, जनाब सैयदा पर जलता हुआ दरवाज़ा एक मरतबा गिरा है, जैसे ही दरवाज़ा गिरा बीबी दरवाजे के जख्म से, पसलियां बीबी की टूटी है, मोहसिन की शहादत हुई है, एक मरतबा फिजा को सदा दी है, या फिजा तो खुजीनी, ए फिजा मुझे सहारा दे, मेरा मोहसिन शहीद हो गया, माफी आशाई जो मेरे शिकम में था वो शहीद हो गया। और उसके बाद एक मरतबा कायनात की शहजादी है, गशी का आलम तारी हुआ, बयान करने वाली रिवायतें बयान करती है कि बीबी पर दरवाज़ा पड़ा हुआ था, घर में दाखिल होना चाहते थे अली को गिरफ्तार करने के लिए, मगर है दरवाजे पर पैर रख के जाने के अलावा कोई जगह बाकी न रही, इतना रश था आने वालों का, ऐसा इज्तिहाम था, कुछ देर के लिए मुझे रसूल की बेटी पर रहम आया, मगर जब अली का बुग्ज मुझ पर गालिब आ गया, मैं मैंने दरवाजे पर पांव रखा और घर में दाखिल हो गया। अली की बेटी चीखती रही, पुकारती रही, मगर हां अजीजो,
अली के गले में रसन को डाला गया और दरबार की जानिब ले जाया जाने लगा। जैसे ही रसूल की बेटी को होश आया है, एक मर्तबा दौड़ कर अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में, जरा सोचिए तो सही, अरे कैसी जख्मी होगी जहरा, एक पहलू टूटा हुआ है या दोनों पहलू एक रिवायत के मुताबिक टूटे हुए हैं। एक हाथ से पहलू को सहारा, दूसरे हाथ से खुद को संभाला है। अली के पास पहुंची है, अली के कमर के पटके पर हाथ डाला, कहने लगी लईनो मैं तुम्हें अली को ले जाने ना दूंगी। लईनो ने जहरा को अली से जुदा करना चाहा, मगर जुदा ना कर सके। एक शख्स ने कोड़ा निकाला, बीबी के बाजू पर कोड़ा मारा, बीबी का बाजू टूटा, हाथों से कमर का पटका छूटा, सारा जमीन पर बारे ला तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का, हमारी इस इबादत को, इस तवस्सुल को अपनी बारगाह से मकबूल व मंजूर फरमा। परवरदिगारा इन आंसुओं को रूमाले सैयदा में जगह इनायत फरमा। परवरदिगारा इमाम ज़माना के ज़ुहूर में जनाब नरजिस के लाल इमाम हसन अस्करी के बेटे के ज़ुहूर में ताजील फरमा। परवरदिगारा हम सबको आका के, हम सबको हजरत के आवान व अंसार में शुमार फरमा। बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंत समीउल अलीम।